করছি তখন আমি বুঝি যদি ভেবে নিচ্ছি তাই পামান এসে গেছে পাঁজা গুঞ্জন ভোলা হর্ষিতা শুরু করতে পারো নারায়ণ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে বৈশাখ মাস শেষ হয়ে গেল জ্যৈষ্ঠ মাস, জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষের আজ একাদশী, বড় পূর্ণ তিথি। তোমাদের সবাইকে কাল বলতে চেয়েছিলাম আজকে যদি শিক্ষা করে মাথায় একটু জল দিবে হিন্দি নারায়ণ ভুল যাতি হোক, কবি কবি মে বাংলা মে বলনে লগতি হুম, কিন্তু বাংলা মেরা আপনা ভাষা হ্যাঁ, বলনে মে বড় আসান লগতা হ্যাঁ, বলনা শুরু কর দেতি হুম। ইয়ে জ্যৈষ্ঠ মহিনা বৈশাখ কা মহিনা সমাপ্ত হো গিয়া, नया बरस का नया संबत का एक महीना बीत गया। ये कृष्ण पक्ष में आगे का जैसे तिथि है, मैं कल आप लोगों को बोलना चाहती थी लेकिन व्यस्तता के कारण थोड़ा ऐसे ही मैं कल आप लोगों को संपर्क नहीं कर सका है। आज बोली हूँ आज पुण्य तिथि आज के दिन, ये बैसाख महीना ये खरा मास है, खर मास है सबसे गर्म ज्येष्ठ महीना, जो वैशाख के बाद जो ज्येष्ठ महीना आता है एक खर मास है, गर्म है। और इस महीने में हमेशा मनुष्य जो है शिवजी को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह का टाइम दोपहर का टाइम अनुसंधा में भी जल दे सकते हैं उनके लिए। अभी चौमासा लगने वाला है और शिवजी तीन महीना जल में ही पसंद रहते रहना पसंद करती है। आदर नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, जल नक्षत्र के स्वामी है और जल लिंग भी उनका जो नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है वो स्वयं जल जल लिंग है। जो आप लोग ऐसा गया है, जो भी गया है नासिक को देखे होंगे कि ऐसा देखने से वो खाली जल जैसा लगता है, तो वो जल लिंग है, जल से प्रसन्न होता है शिव जी। और मैं ये चाहती हूँ कि इतना हम लोगों पे संकट चल रहा है, इतनी रोग भीषण रोग जिसको कोई कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाया लेकिन हमें जीना भी है इसी में, तो इस महीना जो अभी महीना लग गया है तीसरा दिन है महीना का, तो आप लोग जब भी आप लोगों को मन करे जो आप लोगों को समय हो और शिव जी को आप ठंडा ठंडा जल शीतल जल बिलपत्ता हो नहीं हो तभी भी चलेगा, फूल हो नहीं चलेगा, शुद्ध जल सिर्फ सुंदर जल शांत जल, हम लोग मंत्र बोलते जलम च शीतलम सच सुगंध सुमनहरम मया निवृतम स्नानार्थम समर्पयामि। हम भगवान को शीतल जल में थोड़ा चंदन दे सकता है कि चंदन भी ठंडी होती है, तो उनको ऊपर डालने से उनको शीतल लाने से शांति उन्हें जगत का मंगल होता है और जो डालते हैं उसका मंगल होता है, आरोग्य होता है, पुष्टि होता है। स्वयं शिव है, स्वयं महामृत्युंजय है, स्वयं आशुतोष है, खाली जले तुष्ट है, जल एक बेलपत्ता दे देंगे उनको उनको तुष्ट हो जाता है। तो आज का इस एकादशी दिवस पर मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ, आप सबको आरोग्य लाभवान हो, आप लोग आरोग्यवान हो, दीर्घायु बनो, सुस्थ सबल रहो। आज का दिन थोड़ा सत्संग करना चाहिए इसलिए मैं सोचा आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लूँ और थोड़ा सत्संग भी कर लूँ। तो मैं शिव जी के बारे में जो बोलना था हमने बोला है, आप लोग कोशिश करिएगा ताकि आशुतोष का सेवा कर सको इस महीना भर, इस महीने में आगे चौमासा है, चौमास तो हम लोग ऐसे भी सेवा ही करते हैं, आषाढ़ श्रावण भादो ज्येष्ठ से हम लोग लेकिन भादो तक उनका सेवा करते हैं। अश्विन में जगत जननी आविर्भाव होते हैं तो दुर्गा का पूजा करते हैं, तब अश्विन महीना शक्ति महीना है। कष्ट कष्ट सब व्याकुल है ये मैं समझती हूँ, बच्चा जब व्याकुल होते हैं कष्ट होता है, मैंने आगे भी बोला था जब
बहुत व्याकुल होता है, बहुत कष्ट में होता है बच्चा, अपने माँ को ढूंढता है और अपने माँ के गोद में जाते हुए एकदम इतना कष्ट वाला बच्चा माँ का गोद में जाते माँ का आँचल को पकड़ लेता है, माँ ऐसे पकड़ लेता है, वही बच्चे कष्ट में भी सो जाता है, भूख प्यास में भी सो जाता है, रोग में भी सो जाता है, क्योंकि उस गोद में सब निर्मय हो जाता है, सब शांति हो जाता है। तो हम लोग सर्वदा ही शक्ति का पुजारी है, सब माई के भक्त हैं हम लोग, हमारा देश शक्ति शास्त्र लोग हैं, माई को हम लोग सेवा करते हैं, तो हम लोग एक धरती माँ हैं, तो इस सब कुछ उगा हुआ कि हमको जल उनका उनके उनके भंडार में क्या है, जल है, वनस्पति है, खाद्य है, फल फ्रूट है, फूल पुष्प इत्यादि है, जो भी कुछ है धरती का संपत्ति है, आकाश का संपत्ति धरती माँ है, माँ का ये संपत्ति है, सब अपने बच्चों के लिए, जैसे माँ का रसोई में हर किस्म का खाना रहता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, पुष्टिवर्धन करने के लिए, ऐसी धरती के पास हम लोग को पुष्टि देने के लिए सबसे प्रथम जल है, फिर वनस्पति है, फिर वनस्पति के अंदर फल मूल सब इत्यादि पुष्टिकर है, गाय धोना है जिसको घी दूध हमें मिलता है, और जो भी संपत्ति है सोना चांदी जौहरात ये सब धरती का संपत्ति है, ये सब जैसे माँ थोड़ा सोना जोड़ लेती है, थोड़ा महंगा महंगा वस्तु जोड़ लेती है, मैं मेरे बच्चों को शादी होगा, मेरे बेटी को होगा, बेटा को होगा, जोड़ती रहती है, ऐसी ही पृथ्वी पृथ्वी हम लोगों ने दिन रात जोड़ती रहती है, ताकि उनको बच्चों को हमेशा परिपूर्ण रखे, हम उनके बच्चे सब हमें परिपूर्ण रखते हैं, ये कष्ट हम लोगों पे आया माँ हमारे को रक्षा करेंगे, धरती रक्षा करेंगे, आकाश जो है पितृस्वरूप है, उस दिन मैंने कहा था आकाश पितृस्वरूप है, आकाश के पास क्या संपत्ति है, आदित्य जी नवग्रह है, दीपपाल आदि देवता है, नक्षत्र है, नाना किस्म का जो ग्रह मंडली है, आकाश का सुंदरता भी है और आकाश का धन भी है, चंद्रमा है, वो सोम है, वो अमृत है, वो आकाश में रहते हैं, सूर्य है जो जीवन है, जो पल पल हमें जीवन दे रहा है, हमारे अंदर अंधकार को दूर कर रहे हैं, वो पिता का संपत्ति है, ऐसे ये माता पिता आकाश और धरती, और इनके बीच है भगवती, तो आषाढ़ का महीना जब हम लोग भादों का महीना समाप्त होते हैं, कुंवार के महीना आता है, अश्विन के महीना आते हैं, वो महीना माता का होता है, और माँ हमें सब शत्रु से बचाते हैं, रोग शोक से बचाते हैं, और ऐसे ही हमारे ऊपर जो संकट आए हैं, आज साइंटिस्ट लोग सब लोग जैसे बोल रहे हैं, तो हमारा सितंबर तक एक कष्ट है, तो माँ का आते आते हम लोग को उसको दवाई मिलेगा, शायद हमें अच्छा हो जाए, तो घबराओ नहीं बच्चे, और आप लोग सब इस कष्ट से मुक्त होंगे, ये विश्वास रखना, मन में बल रखना और अनुशासन से चलना, ताकि आप लोगों को मैं जब ये भारतवर्ष में आया भी नहीं था, तब से आपको जो जो बोला है वैसे काढ़ा पियो, ऐसा गर्म काली चाय पियो, और साफ सुथरा रहो, हाथ पैर ढक के रखो, मुंह ढक के रखो, कोई चीज़ हाथ मत लगाओ ना जाने, वही सब आप सरकार भी बोल रहे हैं, तो कम से कम मेरे संप्रदाय के मेरे अपने लोगों मेरे बच्चे हो, आप लोग मेरा बात मान के अपने को बचाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुद बचो औरों को बचना सिखाओ और बचाओ, यही हमारा होना चाहिए, मातृत्व तो मैंने अभी बताया, जो पृथ्वी हमारे माँ है, आकाश हमारे पिता है, इनकी गोद में यानी माँ का गोद में जिसे हमारे माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे भीतर भी तो पंच तत्व आए, वो पंच तत्व मिल के महातत्व है, शरीर बनता है, वो माँ का माँ उसको देती है, पिता हमारा को आत्मा देते हैं, हमारा जीवन देते हैं, तो माँ शरीर देते हैं, वही माँ जब हम गोद में लेते हैं तो उनका शरीर से हमारे शरीर का स्पर्श होता है, स्पर्श होते ही हमारे अंदर उनका सुख आने लगता है, हमारा दुख उनमें चले जाता है, और तब हम ठीक हो जाते हैं, तो मातृत्व जो माँ हमारे पास है, जीवित माँ भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, तो चिंता मत करो, सुख जैसा नहीं रहता है दुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहेगा और सुख भी नहीं रहता, सब एक दुख सुख दो नदी का किनारा है, कभी ये टूटता तो कभी वो टूटता, फिर नदी सीधी होता है फिर ऐसा होता, ये प्रकृति के नियम है, कष्ट कई लोग फोन कर रहे हैं कब बचेंगे कब निकलेंगे, कोई लोग कहता हमें कष्ट है, हमारा दिमाग परेशान हो रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, खाने को मन नहीं करता, कुछ नहीं मन करता, ऐसा लगता हम जेल में बंद हैं,
हम लोग कोई जेल में बंद नहीं है, अपने घर में है, डरो नहीं। जो जो लोग हमको ये सब बोले हैं, अब मैं दो एक दिन से भी खाने का आप लोगों को बताएंगे, अच्छा खाना और थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा एक्यूप्रेशर, फिर तो रिफ्लोलॉजी भी बताएंगे, ताकि आप लोगों को शरीर तबीयत खराब नहीं लगेगा, मन अच्छा रहेगा। हिम्मत करो बेटा, बस हिम्मत करो बच्चे मेरा, ये समय निकल जाएगा। आज मैं आपको छोटा सा कथा सुनाऊँ, वो कथा सुनने के बाद आप लोगों को बहुत ठीक होगा। कथा सुनाएंगे हम यज्ञ बालक के, कथा सुनाएंगे हम गार्गी मैत्री, गार्गी और मैत्री, जिस समय में, जिस जमाना में वो दोनों स्त्रियां जन्म लिए थे, उस वक्त वेद शास्त्र पढ़ने के स्त्रियों का अधिकार नहीं था, और स्त्रियों को वेद का सभा तक में प्रवेश भी नहीं होता था। प्रथम गार्गी ने इसको तोड़ा, तो यज्ञ वाले को जनक राजा सीता का पिताजी ने एक सभा, उसमें कई हजारों गाय, धन, संपत्ति, जमीन, जदाद ये सब देंगे, जो उनको मन का प्रश्न को उत्तर देके उनको संतुष्ट करेंगे, उनके ये सब कुछ देंगे। उस सभा में यज्ञ वाले के गया और गार्गी और मैत्री भी गई, मैत्री उनको पत्नी बाद में पत्नी बनी, गार्गी मैत्री भी गई, लेकिन गार्गी के साथ यज्ञ वाले के बड़ा युद्ध हुआ, अंत में उनको जाने दिया। और जब तर्क सभा हुआ, उस तर्क सभा में होते रहे गार्गी और मैत्री का यज्ञ बालक का सब हुआ, बहुत बड़ा वो है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उपनिषद वगैरह उसमें भी है और जगह में भी है, मैत्री और यज्ञ बालक का तर्क, उसमें बड़ा नियम इत्यादि हम लोगों को हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ होता। अंत में यज्ञ बालक जीत जाते हैं, जितना ही था पुरुष, उस जमाने पुरुष डोमिनेट करते थे, और वहीं पर मैत्री के साथ उनका ब्याह भी हुआ, उनके दो पत्नी थे, तो उनका बहुत सुंदर आश्रम थे, बहुत ज्ञानी भी थे यज्ञ बालक, अगर आप लोग उनके बारे में जानते हैं तो जब मैत्री गार्गी और मैत्री दोनों उनके आश्रम में पहुँचे, रहने लगे वहाँ, गार्गी जो स्त्रियों को ज्ञान देने लगा, उस जमाने में स्त्रियों को ज्ञान देने का अधिकार नहीं था, तो आश्रम में जो छोटे छोटे स्त्रियाँ आते थे, सीता माता भी उनको पास, गार्गी के पास वेद शास्त्र या शास्त्र का